हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू यूट्यूब चैनल कल्याणी एजुकेशन। आज हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सोइल, मृदा के प्रकार, जो आपकी बुक में फर्स्ट चैप्टर है और ये हमारे वीडियो का पार्ट थ्री रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोइल, मृदा के प्रकार एवं वितरण। सोइल हैज बीन क्लासिफाइड बाय मैनी स्कॉलर्स एज इंडिया इज नोन फॉर इट्स सर्फेस वेजिटेशन क्लाइमेट डाइवर्सिटी। फॉर दिस रीजन सॉइल इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। भारत में क्या है कि मृदा संरचना और धरातरी संरचना बहुत विविधता पाई जाती है। मृदा का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया है जो कि इस तरह है। सबसे पहले आता है आपका जलोढ़ मृदा, जिसको हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। काली मृदा ब्लैक सॉइल। लाल मृदा को हम रेड सॉइल बोलते हैं। मरुस्थलीय मृदा डेजर्ट सॉइल। लैटेराइट मृदा लैटेराइट सॉइल। एंड पर्वतीय मृदा को माउंटेनियस सॉइल कहा जाता है। लेट्स स्टार्ट विद द एलुवियल सॉइल। द एलुवियल सॉइल अकर्स मेनली इन सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द वैलीज ऑफ नर्मदा, तापी एंड द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। जो जलोढ़ मृदा है वह मुख्यतः सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाई जाती है। इसके अलावा यह मिट्टी नर्मदा, ताप्ती, पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों में भी पाई जाती है। दी सॉइल्स आर मेनली डेराइव फ्रॉम द डेब्रिस ब्राउन फ्रॉम द हिमालयाज। कलर ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम लाइट ग्रे। यह मिट्टी मुख्य रूप से हिमालय से लाई जाती है वहां कर, और इसी वजह से इसका रंग भी वहां की जो मिट्टी है भूरे रंग उससे मेल खाती हुई सी है। इसके बाद बात आती है दिस सॉइल हैज डेफिशिएंसी ऑफ पोटास, फास्फोरस एंड बॉटनिकल आयरन, बॉटनिकल रिमेन्स। इस मिट्टी में क्या है, पोटास, फास्फोरस और वनस्पति अंशों की कमी होती है। दिस सॉइल इज सूटेड फॉर राइस, मेज, व्हीट, सुगर केन, ऑयल सीड्स। इस मिट्टी में आप चावल, मक्का, गेहूँ, गन्ना, तिलहन आदि की फसलों को कर सकते हैं। अब देखते हैं मिट्टी के प्रकार। दीज आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल, दो प्रकार की होती है मुख्यतः, बांगर मिट्टी एंड खादर मिट्टी। जो मिट्टी आपको पता है कि नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है, जो मिट्टी बहुत समय पहले बहाकर लाई गई है, ऊंची ऊंची जगह पे है जहां तक अब नदियों का बाढ़ का पानी नहीं पहुंच सकता, तो वो मिट्टी तो आपकी हो जाती है बांगर मिट्टी। और जो मिट्टी आपकी नई है, जो नदियां जैसे अभी अभी हर साल बाढ़ आ रही है नदियों में, हर साल आसपास का इलाका डूब जाता है पानी में, तो वहां जो मिट्टी आपको मिलेगी वो खादर मिट्टी होगी। देखिए ये जो पिक है ये आपका खादर मिट्टी का है। खादर मिट्टी यानी कि जो नई नई बहाकर लाई गई है, राइट। इसके बाद ये देखिए ये थोड़ी सी पुरानी मिट्टी लग रही है, तो ये पक्का कौन सी होगी, बांगर मिट्टी। इसमें कंकड़ पत्थर भी ज्यादा होंगे। इंडिया के रीजन में देखिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। इस बेल्ट में थोड़ा राजस्थान, गुजरात का पार्ट, इसके अलावा यहाँ पे भी आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है। ये कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ पर गंगा नदी समुद्र में मिलती है, ठीक है, डेल्टा बनाती है, यहाँ पर भी मिलेगा आपको। यहाँ गोदावरी वगैरह नदियाँ हैं इसकी वजह से, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं दूसरा, रेड सॉइल, लाल मिट्टी। दिस डेवलप ऑन आर्कियन ग्रेनाइट, ऑक्यूपाइज द सेकेंड लार्जेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री। जैसे जो जलोढ़ मिट्टी थी वो आपका देश में लगभग 40% भाग, 40% जमीन पर थी, और ये दूसरे नंबर पे है, तो ये से थोड़ा कम है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड मेक्स द कलर ऑफ रेड सॉइल, और इसमें क्या होता है, लोहे की मात्रा अधिक होती है, और जब लोहा पानी से क्रिया करता है तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, और जिसकी वजह से इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज रेड एंड होराइजन बिलो इज येलोइश। जो ऊपरी परत है इस मिट्टी की वो आपको लाल मिलेगी, लेकिन जब आप उसकी खुदाई करेंगे, क्षैतिज खुदाई करेंगे और या फिर गहराई में देखेंगे, तो वो पीले कलर की मिलेगी। जनरली दीज सॉइल्स आर डेफिशियंट इन फॉस्फेट, लाइम, मैग्नीशियम, ह्यूमस एंड नाइट्रोजन। आमतौर पर इस मिट्टी में चूना, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, ह्यूमस, ह्यूमस बताया था मैंने एक बार, जीव जंतु के अवशेष हो गए, पेड़ पौधों के अवशेष हो गए, वो मिट्टी में दब जाते हैं तो वो ह्यूमस बन जाते हैं, तो इनकी क्या आमतौर पर इस मिट्टी में कमी रहती है। This soil is good for cultivation of wheat, cotton, pulses, tobacco, millets, orchards, potato and oil seeds. इस मिट्टी में गेहूँ, कपास, दालें, तम्बाकू, बाजरा, आलू,
तिलहन आदि की खेती आप कर सकते हैं। ये जो मिट्टी है वो मुख्यतः कहाँ कहाँ पाई जाती है? दे आर मेनली फाउंड इन पेनिसुलन फ्रॉम तमिलनाडु में मिलेगी आपको, राइट। और ये देखिए, ये तमिलनाडु का रीजन हो गया है, यहाँ मिल रही है आपको ये मिट्टी। इसके अलावा बुंदेलखंड एंड नॉर्थ राजमहल, इसकी जो एमपी का ये पार्ट है, यहाँ आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना, उड़ीसा वगैरह, ये पूरे जो रेड कलर देख रहे हैं आप, ये लाल मिट्टी का एरिया है। तो सबसे ज्यादा जलोढ़ पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे फिर लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। राजमहल की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के दक्षिण में है, तो वहां पर भी ये दिखाई देता है, काठियावाड़ गुजरात तक जाता है। चलिए नेक्स्ट है ब्लैक और रेगुलर सॉइल, काली मिट्टी, इसके अन्य नाम भी है, इसको जैसे आप बोल सकते हैं रेगड़ मिट्टी भी बोला जाता है, राइट। जैसे जलोढ़ मिट्टी के क्या क्या नाम थे, जलोढ़ मिट्टी को आम, दोमट, कछारी या छीका मिट्टी भी बोलते हैं, ऐसे ही इसके भी अन्य नाम है, रेगड़, रेगुर, कपास मिट्टी, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया, ये भारत में तीसरे नंबर पर सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है, ठीक है। दिस सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स ऑफ क्रेटेशियस लावा, देखिए ये जो मिट्टी है वो लावा चट्टानों से बनती है। कभी ना कभी जो भारत का ये एरिया है जहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, महाराष्ट्र वाला और जो दक्कन वाला रीजन है आपका, वहाँ पे, तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि पहले के टाइम में कोई ज्वालामुखी हुआ करता था। जब वो ज्वालामुखी से निकला लावा, वो लावा ठंडा हो गया, धीरे धीरे उस पर इरोजन हुआ, वेदरिंग हुई, और धीरे धीरे वहाँ पर मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ। तो उस मिट्टी का फॉर्मेशन होने से उसका कलर क्या निकला, ब्लैक, ठीक है। फिर इसके बाद अगला है, दिस सॉइल इज रिच इन आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। इस मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। दिस हैज अ हाई वाटर रिटेन कैपेसिटी, इस मिट्टी में पता है जल धारण करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये आप इसमें एक बार पानी डाल देंगे तो ये उसको सोख लेगी और काफी लंबे समय तक चलेगी, बार बार पानी देने की जरूरत नहीं होती। एंड गुड फॉर द कॉटन कल्टिवेशन, टमैको, सिट्रस फ्रूट्स, कैस्टर एंड लिनसीड्स। इसमें आप क्या क्या खेती कर सकते हैं, कपास कर सकते हैं, तंबाकू कर सकते हैं, खट्टे फल, अरंडी, अलसी, ये सारी की सारी खेती आप इसमें कर सकते हैं। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, दिस स्ट्रेचेज ओवर द पार्ट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, नॉर्थ वेस्टर्न आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, अप टू राजमहल। लगभग ये सारे के सारे स्टेट जो उसमें बताए वो सारे कवर करता है थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, यहाँ आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, कर्नाटक का थोड़ा पार्ट हो रहा है यहाँ पे कवर, गुजरात में यहाँ है, मध्य प्रदेश का ये एरिया कवर कर रहा है, थोड़ा आंध्र प्रदेश में भी है। नेक्स्ट है डेजर्ट सॉइल, दिस सॉइल इज डेपोजिटेड बाय विंड एक्शन एंड मेनली फाउंड द एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज लाइक राजस्थान, वेस्ट ऑफ अराइवल्स, नॉर्थर्न गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा, सदर्न पार्ट ऑफ पंजाब। ये जो मिट्टी आपको ये सब जगह पे मिलेगी, क्योंकि ये स्थान यहाँ तो बहुत ज़्यादा सूखे हैं, राजस्थान ज़्यादातर सूखा है, वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, रेगिस्तानी इलाका है, अर्धशुष्क क्षेत्र जहाँ पर बारिश बहुत कम हो रही है, लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास, तो वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी बनती कैसे है, वायु द्वारा, अगर उसका इरोजन हो रहा है तो वहाँ पर ये मिट्टी फॉर्म होगी, यानी ये मिट्टी बनेगी। इस रेतीली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, दे आर सैंडी विद लो ऑर्गेनिक मैटर, इसमें कार्बनिक पदार्थों की कमी होगी। इट हैज लो सॉल्युबल साल्ट एंड मॉइस्चर विद वेरी लो रिटेनिंग कैपेसिटी, इस मिट्टी में कम घुलनशील लवण और नमी होती है, इसमें बहुत कम क्षमता होती है कि कोई भी चीज़ अच्छे से उगाई जा सके, इसीलिए इसमें ज़्यादा एग्रीकल्चर आप नहीं कर सकते। If irrigated, this soil give a high agricultural returns. अगर आप इसमें थोड़ा सिंचाई के लिए कुछ अच्छा काम कर दें और थोड़ा सा इसमें फर्टिलाइजर्स डाल दें तो इसमें अच्छे से खेती की जा सकती है। और क्या क्या उगाया जा सकता है, बाजरा, पल्स, फॉडर एंड कॉर्न। बाजरा उगा सकते हैं, दालें उगा सकते हैं, चारा और
ग्वार आप आराम से इस मिट्टी में उगा सकते हैं। देखिए ये है रेगिस्तानी मिट्टी। अब आप ही बताइए कि इसमें कुछ उगाया जा सकता है? अगर हम इसमें पानी दें, फर्टिलाइजर्स दें, तो पक्का हम उसमें कुछ ना कुछ उगा पाएंगे। अब आता है लैटराइट सॉइल। दिस सॉइल दिस सॉफ्ट व्हेन दे आर वेट एंड हार्ड एंड क्लॉडी ऑन ड्राई। ये मिट्टी क्या है कि जब ये मिट्टी गीली होती है उस समय तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, और लेकिन जब ये सूख जाती है तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, बहुत कठोर गुच्छेदार रहते हैं, बड़े बड़े टीले से बन जाते हैं इसमें। दीज आर फॉर्म मेनली इन द हिल्स ऑन द वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट पर, राजमहल हिल्स पर, ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट पर, सतपुड़ा, विंध्य, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ चाहर हिल्स एंड द गारो हिल्स। इन जगहों पर आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि ये सब पहाड़ी इलाके हैं। सतपुड़ा पहाड़ी इलाका है, उड़ीसा में भी पहाड़ है, छत्तीसगढ़ में पहाड़ी है, झारखंड में भी पहाड़ी इलाका है, तो ये मिट्टी हमेशा पहाड़ी इलाकों में पाई जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा सूखा हो, फिर एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, तो वहाँ पर जो चट्टानें टूट फूट जाती हैं उसकी वजह से ये मिट्टी बनती है, इसीलिए ऐसा होता है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों, नाइट्रोजन, पोटेशियम, चूना और पोटाश में कमी होती है, ठीक है। दीज आयरन एंड एल्यूमिनियम रिच सॉइल आर सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ राइस, रागी, सुगरकेन एंड काजू नट्स। ये लोहा एल्यूमिनियम से समृद्ध है, यानी इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा है, तो इसमें हम क्या क्या उगा सकते हैं? चावल उगा सकते हैं, रागी उगा सकते हैं, गन्ना और काजू की खेती भी हम इसमें कर सकते हैं। इसके बाद आती है माउंटेनियस सॉइल। दिस सॉइल हैव लेस डेवलप्ड सॉइल प्रोफाइल एंड मेनली फाउंड इन वैलीज एंड हिल स्लोप्स। ये मिट्टी क्या है, इसकी जो प्रोफाइल है वो कम विकसित है, ठीक है। यानी कि अगर आप ज़्यादा इसकी खुदाई करेंगे तो आपको मिट्टी कम मिलेगी। बहुत ही लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोफाइल पढ़ाया था, उसमें मिट्टी की लेयर बताई थी, क्योंकि कोई मिट्टी है जैसे जलोढ़ मिट्टी है, अगर आप उसकी खुदाई करते हैं तो वो आपको 490 मीटर की गहराई तक मिल सकती है, लेकिन ये मिट्टी बहुत कुछ कम मीटर तक ही मिल पाएगी, कहो तो 10 मीटर, उससे ज़्यादा हो ही नहीं या उससे भी कम हो, ठीक है। तो मुख्य रूप से मिट्टियाँ कहाँ हैं? हिमालय की घाटी या पहाड़ी ढलानों पर। These soils are immature and dark brown in color. इनका कलर कैसा होता है? गहरा भूरा और अपरिपक्व होती है, यानी कि स्लिप, मतलब ये बंधे नहीं रहते इनके कण, ये बह जाती है, अगर पानी आता है, हवा चलती है तो उड़ जाएगी, ऐसा है। This soil has very low humus and it is acidic in nature. इसमें humus नहीं है और अम्लीय प्रकृति की है। This orchids, fodder, legumes and grown in this soil. इस मिट्टी में आप क्या क्या उगा सकते हैं? चारा और फलियाँ। जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट क्लास में पढ़ा भी होगा कि हिमालय की जो घाटियाँ हैं उनमें नीचे आते आते जिन्हें चारे की खेती बहुत ज़्यादा होती है, चारा कहाँ बोले जाते हैं, मुगयाल या प्यार भी बोलते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपकी मिट्टियाँ आज इस वीडियो में कवर हो चुकी हैं, इसीलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।